खाना फाइनली हम लोगों ने देख ले लिया और अंकल ने बहुत अच्छी देख बनाई है, तो पहले ये शर्मा रहे थे कि बेटा मैं वीडियो में नहीं आऊँगा लेकिन अब ये वीडियो में आ गए हैं। इनकी दुकान का नाम है अहमद पकवान सेंटर और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे बने हैं, मैंने टेस्ट भी किया है और एक दो बंदों को मैंने और भी टेस्ट करवाया, तो बस यहाँ से चलते हैं और निकलते हैं। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो चले वहाँ पर जाके मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना देख फुल रेडी हो गई थी और मैंने तकरीबन इनको टाइम दिया था कि मैं 7 बजे आपके पास होंगी, आपने बिल्कुल रेडी रखनी है, लेकिन जी मैं गई थी लेट और यहाँ पे ये मुझे चेक करवा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइस बने थे और मैं गई थी पहले, फैमिली वाले पीछे थे और मैं और भाई पहले गए थे, फिर हमने यहाँ पर पैकिंग करवाई क्योंकि हम लोग घर बिल्कुल भी नहीं लेके गए थे, यहाँ से हमने रिसीव कर लिया था और इन्हीं के पास से सारा कुछ हमने किया था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और एकदम से मेरा प्लान बना था। तो अल्लाह कबूल करे और ये इनकी शॉप और ये इनके प्यारे प्यारे से बच्चे और ये हैं पठान में, ये भी आपको बता देती हूँ, ये है इनकी शॉप, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। और ये जी फिर मैं उसके बाद आ गई थी अपनी लोकेशन पे और यहाँ पे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा जुलूस था कि मैं हैरान थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हर दफ़ा माशाल्लाह से इतना बढ़ जाता है कि आप मैं हम सब देख के हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे इतना मज़ा आया, इतने लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई। खैर मुझे चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन जो काम वहाँ पे किया वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अल्लाह का घर था और अल्लाह के घर में ऐसा काम करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। खैर ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्या हुआ यहाँ पर, आपको पहले मैं मज़े मज़े की कुछ चीज़ें भी दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना कुछ बांट रहे थे, इतना कुछ बांट रहे थे ना, लेकिन फिर भी लोग राज़ी नहीं रहे थे यार। मतलब अगर आपने ले लिया है, क्योंकि तबरक होता है अगर आपको मिल जाए तो बस ठीक है, इनफ ख़त्म, लेकिन यहाँ पे लोग पता नहीं क्या करते हैं, समझ से बाहर है मेरी। और ये जी यहाँ पे आप मेरी क्यूट एंड स्वीट सी मिन्हा देख सकते हैं, जिसका मैंने वाइट कलर का ड्रेस जो था ना ये स्टिच करवाया था, ये रेडीमेड नहीं है, और माशाल्लाह से गोलगप्पी बड़ी प्यारी लग रही थी सभी बहुत प्यार कर रहे थे और कह रहे थे कि क्यों लेके आए आप इतनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची को, नज़र लग जाती है। मैं कहनी कोई गल नहीं, हमने आयतल कुर्सी पढ़ ली है और यहाँ पर जी मैंने आप ही को बिठा दिया था और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं और आपी हम लोग तकसीम कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लोग अन्यवा आ जाएंगे, आपी को भी नहीं पता था, मुझे ये था कि आहिस्ता आहिस्ता से आएंगे, एक तो आएंगे लेते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो यार रश पड़ गया था इतना ज़्यादा और मैं जहाँ पे खड़ी हुई ना मैं वहाँ से अंदर आ गई थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रुकती मैंने खुद भी डिगना था और जो मैंने बच्ची पकड़ी हुई है ना उसने भी डिग जाना था, तो ना बहुत बुरा हाल हो जाना था। ये अभी तो आप देख रहे हैं ना एकदम से यार इतनी गैदरिंग कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये जो बंदा डंडा लेके आया ना अंदर, इसका डंडा भी कोई नहीं काम कर रहा था, इसने रोकने की बड़ी कोशिश की और बाहर जो अंकल खड़े थे वो चिल्ला रहे थे बाहर आ जाओ, लेकिन लोग मजा लें कि यार किसी की बात सुन लें, किसी की बात मान लें, कि देखें यहाँ पर मैं किस तरह से अंदर आई हूँ, क्योंकि इतनी गैदरिंग यार कि मैं हैरान हो गई थी एकदम से। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो गैदरिंग थी उसके बाद जी ऊपर से बीबियाँ मतलब कि आंटियाँ, उनसे भी सबर नहीं हुआ, हालांकि मैंने कहा था कि मैं आपको ऊपर आके देती हूँ आप रुक जाएं यहाँ पे, लेकिन उनसे बिल्कुल भी सबर नहीं हुआ, वो भी नीचे तशरीफ़ ले आई। फिर मैंने ऐसे किया कि बाहर जो अंकल थे उनको मैंने पकड़ाया, मैंने कहा ये लें आप तकसीम करें और मैं यहाँ पर जा रही हूँ ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं भी अन्यवा फंस गई थी यार, क्योंकि बीबियाँ भी आपको सांस नहीं लेने देती और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया क्योंकि मुझे करना कोई नहीं आता, ये अल्लाह की ज़ात ने तो फीक दी है, मुझे अल्लाह ताला कबूल करे और बस आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत, आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला मुझे इतना दे के हर साल ये अल्लाह के हुक्म से बढ़ता जाए और इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे अंकल वो शॉपर लेके बैठे हुए और सब खा रहे थे, बहुत मज़े से खा रहे थे, तो फिर मैंने कहा वाकई अंकल ने बहुत अच्छे से बना के दिया, मैंने उनको बोला था कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, अच्छी होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बनवाऊंगी मैं आपसे। और ये सब बैठ के मज़े मज़े से ये देख लें खा रहे हैं और वो जो दूसरे अंकल थे वो किसी को दे भी नहीं रहे थे बड़ी मुश्किल से। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो क्लिप देखा है ना ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है और इतना ये अच्छा लग रहा था ना, इतने अच्छे उन्होंने नारे लगाए
बहुत अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे भी ये कुछ भी नहीं है, ये भी स्टार्टिंग है अभी, माशाल्लाह सारा दिन यहाँ पे ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मीना अपनी मामा की गोदों में सो गई थी, यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री हो गए थे बांट शांट के। और यहाँ पे बस इंतज़ार हो रहा था, एक जुलूस देखना था उसका, और फिर देन उसके बाद हम लोगों ने घर आना था। और यहाँ पे बस वो जो था ना जुलूस आ चुका है, और वो जुलूस आने से पहले यहाँ पे ना तलवारबाजी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था, रात को जब मैं सोई ना, मैंने आप ही को बोला यार कि देख का मैं वहाँ पर सारा कुछ कर रही हूँ, तो आपसे वो भाई के साथ जाना लेना और ना मतलब वहाँ पर बाहर डालना। तो फिर मेरी बहन कहती है नहीं, वो तुमने कहा था कि मैंने इस तरह से करना है और तुम दे रही हो, तो फिर तुम साथ चलो। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत लेट हो गए, तकरीबन हम लोग 10 बजे गए थे वहाँ पे। तो पहले ऐसे होता था कि 8-9 बजे के करीब जो है ना यहाँ से जुलूस चला जाता था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का इस बार मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सबके साथ, हम सब ने बल्कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, फिर यहाँ पे ये तलवारबाजी इतनी नहीं हुई थी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और जुलूस बहुत लेट आया था, तकरीबन 12 बजे के करीब आया था। और ये मैं बाबा को भी घर आके दिखा रही थी, तो वो देख के इतना खुश हो रहे थे ना कि मतलब हर दफ़ा ये देख लें बढ़ता ही जाता है, और अल्लाह के हुक्म से ये बढ़ता ही जाएगा। बस जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात का फरमान है कि ये जो है ना इंशाल्लाह बढ़ता ही जाएगा। और ये कैमल देखें यहाँ पे इतने प्यारे लग रहे थे, बच्चे भी इतने प्यारे लग रहे थे ना इसके ऊपर बैठे हुए, ये देखें ज़रा। और बस फिर यहाँ पे ये बस जाता जाएगा और इसके बाद उस जुलूस की बारी आती जाएगी, लेकिन उस जुलूस की मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वो मना है, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है क्योंकि आने से पहले कैमरा शैमरा बंद कर देते हैं। तो देखें जब वहाँ पे मना कर दिया जाता तो मेरे ख्याल में कैमरा जो है ना ओपन करना बहुत बुरी बात है। बात बताऊँ, इतने घटिया किस्म के लोग हैं, पता नहीं इतने घटिया किस्म के लोग आते भी कहाँ से हैं, कि मैं घर से अपना फुल नया वाला जूता पहन के गई थी और पता नहीं यार किसने ये काम किया, लेकिन मैं कहती शर्म आनी चाहिए, शर्म करें, थोड़ी सी दिन देखें मस्जिद में आप लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा नया जूता कोई पहन के ले गया है, अब मैं वहाँ से किसी का जूता पहन के आई हूँ और यहाँ चेज़र पे आई हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई शॉप कुछ भी ओपन नहीं था। तो अब यहाँ से मैं जूता देखती हूँ अपने लिए और जूता लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा, मेरा जूता कोई चोरी करके ले जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला के घर में आपने ये काम किया है, देखें जूता तो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप अल्लाह के घर में ये काम कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ पर फिर मुझे एमरजेंसी अपना जूता लेने आना पड़ा था, खैर मुझे ऐसे जूते इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे टाइम तो निकालना था, बस मुझे जो मिला मैंने ले लिया यहाँ से, लेकिन ये बड़ा प्यारा लग रहा था, हाँ क्योंकि लोकल चीज़ मैं ले नहीं सकती, ना ही मैं पहनती हूँ, ना ही मुझे अच्छी लगती है, और मेरा जूता इतना प्यारा था ना जो मैं पहन के गई थी, तो मुझे बार बार अभी भी मुझे याद आ रहा है, घर आके भी मुझे याद आ रहा है। तो मम्मी मुझे कह रही हैं खैर कोई बात नहीं, भाई ने भी मुझे का टेंशन नहीं लेते होते। आज पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, पहले मेरा जूता कोई चोरी करके ले गया जो मैं यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, सही है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे थे और पता नहीं भाई को क्या हुआ है कि आज वो मुझे अल्लाह की सुपुर्द करने लगे थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का चोट नहीं लगी, गिरने से भी बच गए हैं। तो लेकिन पता नहीं समय से बाहर है यार, अब यहाँ से मैंने जूता ले लिया, मैंने पहन भी लिया लेकिन मैं इतना कम्फर्टेबल नहीं हूँ, बट फिर भी चलें टाइम पास करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने जूता लिया था, जूता लेने के बाद हम लोगों ने मीना का ड्रेस लिया था, मीना की कैप ली थी क्योंकि इसका ड्रेस चेंज करना था। और यहाँ पे मैंने मीना को पकड़ा हुआ है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे जूते का बहुत दुख हो रहा है यार, जूता मुझे मिल जाएगा लेकिन ना बहुत प्यारा था, और सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का कि अल्लाह ताला के घर में ऐसे किया। और बस ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों ने बहुत सा प्यार देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, बेल के आइकन को भी अगर प्रेस कर लेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है हम आपको टाइम से मिल जाएंगे। और आपने दुआ करनी, अल्लाह ताला मुझे हर साल बढ़ चढ़ के करने की तौफीक दे। और लास्ट में मैंने दरबार शरीफ पे सलाम किया, दुआ की, और फिर हम लोग घर आ गए। तो बस यहाँ पे कह रही हूँ वीडियो के एंड, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।